चिरमिरी के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भगवान परशुराम की शोभा यात्रा चिरमिरी के पूरे नगर में निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अन्य धर्म एवं जाति प्रदाय के लोगों ने स्वागत किया और शीतल पेयजल एवं शरबत का भी वितरण किया। हल्दीबाड़ी के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जी के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के महिला एवं पुरुष सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा हल्दीबाड़ी से होते हुए डोमन हिल, गुदरीपारा, बड़ी बाजार से हल्दीबाड़ी के कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां शोभा यात्रा की समाप्ति की गई। और इस प्रकार के आयोजन होते रहने से समाज में एक संदेश अच्छा जाता है और जो परशुराम जी की जो जीवन शैली रही है, उनके जो उपदेश रहे हैं, उनको अंगीकृत कार्य करना चाहिए। उन्होंने सौर का और माता और पितृ आज्ञा का जो उन्होंने पालन किया और उन्होंने जो एक उदाहरण पेश किया, वह काबिले तारीफ है। उसका अनुसरण हम सब मानव समाज को करना चाहिए। भगवान परशुराम जयंती समारोह के कार्यक्रम में विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक पटेल, कांग्रेस के विनय जायसवाल एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का ब्राह्मण समाज चिरमिरी के द्वारा साल श्रीफल भेंट कर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। मंच के माध्यम से अतिथियों ने भगवान परशुराम के वर्णन किए। परशुराम जयंती के शुभ और पावन अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को, समाज को यही संदेश दूंगा कि जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने अपने विभिन्न स्वरूपों में समाज के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, सृष्टि के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, उस प्रकार के काम हमको भी करना चाहिए। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, जिस प्रकार से उनके वंशज हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के लोग जो सदैव समाज के मार्गदर्शक रहे हैं, आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज के जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, एक हमारे समाज में हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं संपूर्ण चिरमिरी का जो भी समाज है, उनको भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस दिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं, भगवान परशुराम, आज हम बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के क्लास करते हैं, बहुत बड़े 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 इंस्टीट्यूट की कल्पना करते हैं, लेकिन केवल भगवान परशुराम के जो जीवन चरित्र और जीवन शैली को अगर आज का युवा उसको समझे और उसके उनके चरित्र में चलने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है देश का और समाज का बहुत कल्याण होगा और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। भगवान परशुराम जी की जयंती ब्राह्मण समाज के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आने वाले समय में इसे समारोह को और भी विशाल एवं भव्य रूप प्रदान करने के लिए ब्राह्मण समाज तत्पर है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के द्वारा पत्रकारों को मंच में सम्मानित भी किया गया। ये हमारे देव हैं, आराध्य देव हैं, तो उनकी जयंती हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरा समाज इसमें, पूरा समाज एकत्रित होके और हमारे आराध्य देव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब संकल्पना लेते हैं कि हम अपने देव की जो उद्देश्य है उनके उद्देश्यों पर चल के और अपने समाज को बहुत ऊँचा उठाएंगे, सर्वोच्च रखेंगे। ये युग के परिवर्तन का क्या है, समाज का नेतृत्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चिरमिरी।